आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। वापस हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बातचीत को आगे बढ़ाते हुए इस एपिसोड में बात करेंगे, जैसे हमने पिछले एपिसोड में ख़त्म किया कि इसका कोई इलाज नहीं है, परमानेंट क्योर नहीं है, परंतु इट्स नॉट अ होपलेस सिचुएशन। इसकी बहुत सारी मैनेजमेंट ऐसी है, बहुत कुछ ऐसा है जो कि किया जा सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत सारे किस्मों की होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको, हर किस्म का प्रोग्रेशन का नेचर एकदम अलग होता है। मान लीजिए DMD है, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो वो थोड़ी तेज़ी से बढ़ती है, परंतु उसमें भी ऐसा है कि अगर अपन सही मैनेजमेंट सही वक्त पर कर लें, जैसा कि एकदम शुरू में पता चल जाए कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो हमें सबसे पहली चीज़ फिजियोथेरेपी पर बच्चे को डाल देना चाहिए। चाहे वो कोई भी टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, फिजियोथेरेपी सभी मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज में कारगर है। ये जितनी भी बातचीत मैं कर रही हूँ यहाँ पर, ये सब हमारा एक्सपीरियंस है। हम लोगों का जो पिछले 30 वर्षों का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को लेकर मैं बातचीत कर रही हूँ कि कोई भी टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, उसमें फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो अगर अर्ली इंटरवेंशन हो जाए, मान लीजिए बच्चे को शुरू में कमज़ोरी महसूस हुई, या वो एड़ी उठाकर जब चलने लगा, या फिर अपने घुटनों का सहारा लेकर जब वो खड़े होने की कोशिश करने लगा, तभी अगर हम ये जांच करवा लें कि उसको सच में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो नहीं है। अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो बच्चे को रेगुलर फिजियोथेरेपी पर डालना पड़ेगा। रेगुलर फिजियोथेरेपी माने हर रोज़ फिजियोथेरेपी करवाना। फिजिकल थेरेपी 45 मिनट्स का एक सेशन मिनिमम ज़रूर होना चाहिए। अभी हम आगे बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट्स को इस पॉडकास्ट में जोड़ेंगे, जो कि पूरी रिहैबिलिटेशन पर आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, परंतु आज हम बेसिक्स को सिर्फ छुएंगे कि अगर और किसी टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जो कि जिनका लेट ऑनसेट है, तो उनमें भी हम पूरा लाइफ स्पैन फिजियोथेरेपी के बल पर निकाल सकते हैं और बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। सिर्फ शॉर्ट में इतना बताना ज़रूर चाहूँगी कि अगर हम लोग फिजियोथेरेपी करते रहते हैं रेगुलर, और हम जो काम कर रहे हैं उस काम को करना नहीं छोड़ते, चाहे धीरे धीरे हमें मुश्किल होती है वो काम को करने के लिए, पर अगर हम करते रहते हैं तो हमारी मसल पावर काफ़ी हद तक बनी रहती है। बहुत सारे टाइप्स में तो ये होता है कि हम प्रोग्रेशन को फिजियोथेरेपी के बल पर रोक भी लेते हैं, और कुछ केसेस में हमने गेन भी किया है, मसल पावर गेन भी किया है। तो ये एक एस्पेक्ट रहता है। क्या होता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक बहुत बड़ा फीचर, जिस इंसान को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसका अंदर से मन नहीं करता कुछ करने का, ये बात सच है, परंतु अगर हम उसको उस बैरियर को क्रॉस कर लें, इस चीज़ को मान लें कि हमें करना ही है काम, हमें करना ही है बस इतना सा, उसको क्रॉस करके अगर हम आगे निकल जाते हैं तो हम काम करते चले जाते हैं और हमारी डिटेरियोरेशन रुकती चली जाती है। जो लोग खड़े होकर काम करते हैं वो लगातार काम करते हैं तो थकान होती है, तो बीच में बैठना, बीच में रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये चीज़ देखी है अपने एक्सपीरियंस में कि जो लेडीज़ हैं जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, वो खाना बनाती हैं तो पूरे दिन खड़े होकर काम करती रहती है, एक ही बारी में बैठती है, उसमें क्या होता है कि मसल फटीग हो जाता है और फिर उठने का मन नहीं करता। तो कोशिश ये करें कि कुछ देर बीच में बैठ जाएं, फिर उठें, तकलीफ़ होती है उठने में बार बार, पर उस तकलीफ़ को सह लें और काम करते रहें। काउंटर पर काम कर रहे हैं तो खड़े होकर काम करें,
बैठें, बीच में रेस्ट करें, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो भी कोशिश करें कि बीच में खड़े होकर चलें ज़रूर। तो लगातार कुछ भी करने से थकान मसल्स को हो जाती है, जो कि हमें चाहिए कि हम उनको ना थकाएं। दूसरी चीज़ ये है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में व्हीलचेयर का एक्सेप्टेंस। देखिए क्या होता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको होती है वो गिरने से डरने लगता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बताने लगी हूँ कि गिरने के डर की वजह से हम लोग चलना छोड़ देते हैं। चलना हमको नहीं छोड़ना चाहिए घर के अंदर। घर के अंदर हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम करते रहें, स्लो पेस में करेंगे पर करते रहें। ड्रेसअप होने में टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों को 5 मिनट लगते हैं, हमें 1 घंटा लगता है, कोई बात नहीं। 1 घंटा पहले से अपना काम शुरू कर दें, फ्रस्ट्रेट मत हो, बस इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसी तरह से हम लोग बाहर आना जाना छोड़ देते हैं कि एक तो ये कि वॉकिंग बहुत खूबसूरत नहीं होती, जिस तरह से हम चलना चाहते वैसे नहीं दिखते। तो बाहर आने जाने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करें। व्हीलचेयर इज़ अ ब्यूटीफुल गैजेट, बहुत सेफ है। जब आप व्हीलचेयर पर बैठ जाते हैं तो आप कितना भी कहीं तक भी जा सकते हैं। नो डाउट कि हमारे कंट्री में अभी बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल इन्वायरमेंट नहीं है, परंतु फिर भी आप बाज़ार जा सकते हैं। जितना हो सकता है अपने घरों को एक्सेसिबल कीजिए, इतना सा ज़रूर कीजिए कि आपके घर के अंदर और बाहर आप आराम से व्हीलचेयर से निकल सकें। और या फिर अगर आप चलते हैं तो सीढ़ी पर रेलिंग ज़रूर लगा लें। और अगर आपका घर फर्स्ट फ्लोर पर है तो कोशिश करके किसी भी तरह अपने घरों को ग्राउंड फ्लोर पर लाने की कोशिश करें। इन द लॉन्ग रन ये बातें बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। घर से निकलने से पहले हमको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास धीरे धीरे करके पैसा इकट्ठा करके या सॉफ्ट लोन्स लेकर बैंकों से हम पावर्ड व्हीलचेयर ले लेते हैं तो ज़िंदगी और भी स्मूथ हो जाती है, फिर तो बिल्कुल ही सोचना नहीं पड़ता। तो कोशिश करके अपने घरों को छोटा मोटा रेनोवेशंस करके अपने हिसाब से रेनोवेट करवाइए। टॉयलेट सीट्स को ऊंचा करके बनवाइए, जहाँ तक जब तक हो सके तो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी कि एक शॉपकीपर थे, रोज़ दुकान पर जाते थे स्कूटर पर बैठकर किसी के साथ। उनको ऐसा लगता था कि किसी को पता ही नहीं है कि मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। एक वक्त क्या हुआ कि उनका फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया तो 21-22 दिन घर पर बैठना पड़ा। अब वो फ्रैक्चर था एंकल जॉइंट का, नी बेंड हो रहा था, तो बहुत अटपटा लगता था उनको घर पर बैठना, क्योंकि हर रोज़ जिस इंसान को काम करने की आदत है वो खाली नहीं बैठ सकता। तो उनको ये कहा गया कि आप व्हीलचेयर पर बैठकर आप अपने वर्क प्लेस पर चले जाएं। ये बात उनको पहले दिन तो समझ नहीं आई, दूसरे दिन उनको लगा कि हाँ, खाली बैठने से अच्छा है कि चलो व्हीलचेयर पर जाया जाए। व्हीलचेयर पर चले गए। जाते वक्त उनका कहना था, मुझे लगने लगा कि हर इंसान मुझे देख रहा है, सब जने मुझे ही देख रहे हैं। किसी तरह मुंह छुपाकर कैप पहनकर वो पहुंचे दुकान पर और पूरे दिन दुकानदारी करी, घर आ गए। अगले दिन फिर वो थोड़े झेपे हुए थे। तीसरे दिन उनको लगा कोई मुझे नहीं देखता, मैं ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स पाले हुए हूँ कि सब मुझे देख रहे हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि दुनिया को पता होता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। हम अपने आप को अगर छुपाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी गलती है। तो इस तरह से उन्होंने व्हीलचेयर पर रेगुलरली
शॉप में जाना शुरू कर दिया। डिपेंडेंसी उनकी दूसरों के ऊपर स्कूटर चला के ले जाने वाली ख़त्म हो गई। और न सिर्फ इतना, बाद में उन्होंने पावर व्हीलचेयर ली अपने लिए और फिर उन्होंने शॉपिंग करके आना, पूरे घर का काम करके इस तरह से वो अपने घर जाने लगे। तो आप देखिए कि एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा गैजेट आपको कितना इंडिपेंडेंट बना सकता है। और व्हीलचेयर पे होना कोई बुरी बात नहीं है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हमें किसी तरह की कमज़ोरी है, इसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है। जब इलाज आएगा तो सभी को मिलेगा, एक अफोर्डेबल इलाज आएगा तो सभी को मिलेगा। तो उस पर भी बहुत काम हो रहा है, परंतु आज की डेट में जो जीवन हमें मिला है, जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं, उसको हमें अच्छे ढंग से, डिग्निफाइड तरीके से जीना है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।